तो दोस्तों गुड इवनिंग, बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल हमने क्या बताया था, आने वाले कल क्या हो सकता है। तो डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है, इसमें इतनी सी बात होती है कि भाई जो हम बता रहे हैं ये पर्सनल व्यू होता है, वो कितना सही होता है कितना गलत होता है वो आप हर रोज देखते हो तो उससे पता लग जाता है, ठीक है। तो डिस्क्लेमर में इतना ही था। अच्छा, जो काम करते हैं वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और जो नहीं करते उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। अभी देखो आज का था 30 तारीख को तेजी बताई थी मैंने, बोला था कल सुबह में मंदी रहेगी और 10 बजे से आप देखना मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखना 9:30-10 बजे, 9:45 से ही एक तरफा तेजी हुई है मार्केट में, जो 520 के करीब था सुबह का लो, ठीक है, वहां से ऊपर तक गया है, मतलब करीब करीब आपको 125-150 पॉइंट दिए। उस टाइम पे ये हमने नीचे ही, जब नीचे था 520 पे, ये बैंक निफ्टी की कॉल खरीदी थी 332 रुपए पे, 460 रुपए पे सेल की, करीब 50% प्रॉफिट, अप्रोक्स 40-50% मिल गया। मैंने बीच में डाला था जहां मैंने बोला कि 50% बुक कर लो, आपको भी डाला था, इसका मतलब अभी ये ऊपर जाएगी, खरीदेंगे, जहां फिर सेल की है वो फिर मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है प्रीमियम का, भाई यहां पर जो है ये अभी सेल कर दी, ठीक है। तो मार्केट में लास्ट में बढ़िया मंदी हुई है, जो लास्ट का आधा घंटा है उसमें मार्केट अच्छे से नीचे आया है। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी वीडियो में, मैं बोला जो लॉन्ग में बैठना चाहते हैं या जो लॉन्ग में बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस 15,500 रहेगा, क्यों 16,500 आप लोग पूछ रहे थे। अच्छा, जो शॉर्ट में थे या जिनके पास पुट पड़ी हुई थी उनको मैंने एक ही बोला था कि 600-620 के ऊपर मार्केट रुकता है या जाता है, आप पुट से बेशक निकल जाओ, फिर वो वहां से तो उसको तोड़ता है, आप फिर पुट बाय कर लो। आप जैसे मान लो किसी की पुट का प्राइस 100 रुपये है ना, वहां हमने काट दी, दोबारा आया आप 102 पे खरीद लो उसी पुट को, ठीक है, और नहीं खरीदते तो आप लोगों की राजी, ठीक भाई। अच्छा, अभी और मैं कल के लिए क्या बता रहा हूं आप लोगों को कि ये 15,300 बैंक निफ्टी बाद में भी 125-150 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, जो नीचे था करीब करीब 487-500 के करीब बंद हुआ है। तो मानो जैसे गैप डाउन खुलता है मार्केट या फ्लैट खुलता है नीचे जाता है, तो कल के लिए ये एक मेन सपोर्ट है, मतलब 535,300 अगर ये तोड़ता है, आपने पुट खरीद लिए, 200-300 पॉइंट मिलेंगे बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 520 है, अगर इसको तोड़ता है तो आपको फिर सीधा 400, मतलब 100-125 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर इन दोनों को आपने ध्यान रखना है, इनको तोड़ता है तो मिलेंगे, अगर ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं। अभी मार्केट ने क्या किया है, दो टॉप बनाए, एक पिछले कल बनाया था सोमवार को, वो था हमारा 16,695 और आज 16,690। जैसे नीचे तीन बॉटम बनाए, ऐसे ही ऊपर दो टॉप बना दिए, उनके लेवल ये हैं। अब आप मोटा मान के चलो कि निफ्टी आपका बुलिश 16,700 के ऊपर ही होगा, ये लेवल आपने ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब ये लेवल जब कटेगा जब ही बुलिश होगा, ठीक है, उससे पहले कॉल की पोजीशन नहीं बनती है, मतलब जिसको जैसे लॉन्ग करते हैं या एक आध दिन होल्ड करते हैं, बाकी ट्रेडिंग करनी है तो वो तो इंट्राडे में वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट अब कहीं ना कहीं मेरी तरफ से 12-13 तक बुलिश है, पर बीच में डिप है, जैसे बृहस्पतिवार को डिप रह सकता है मार्केट में, और कल भी दोनों साइड में बता रहा हूँ मार्केट अप डाउन ही रहेगा,
देखते हैं इसको काटता है या नहीं, मेरे को लगता नहीं है। अच्छा, ये अप डाउन में देख के नहीं बोल रहा, आज मानो मंदी हुई, ये मार्केट नीचे गया मंदी हो गई, तो उससे ये हम पहले जो बताया हुआ है वही चीज है। अब मार्केट का क्या होता है, या तो पूरे दिन का निकाले स्टेप बाय, कि भाई इतने क्या बजे से इतना, तो वो संभव नहीं है। उसमें एक एवरेज लेके चलते हैं कि भाई यहाँ सुबह में ये है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब जिसने एक बार 40-45% कमा लिया, अच्छा है। फिर मैंने निफ्टी की ये कॉल भी दी थी, तो मैंने कही निकल जा गई तो ये इतने तक है। मैं बोला भाई ये रिस्क वाली कॉल है, क्योंकि यहाँ रिस्क रहेगा, मार्केट उस टॉप को काटने के लिए तैयार नहीं है किसी भी कंडीशन में। 2-3 बार जाता था, नीचे आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा रिस्क है कॉल में, ऐसा था। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।